दुनिया में जब भी लग्जरी का नाम आता है तो हमारे जहन में पहली चीज दुबई आती है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो, सबसे बड़ा मॉल हो या सबसे आलीशान होटल हो, हमें सब कुछ दुबई में मिलता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि दुबई, जो आज से सिर्फ 25 से 30 साल पहले बंजर रेगिस्तान हुआ करता था, वो आज कैसे ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब और थर्ड मोस्ट ट्रेवल्ड कंट्री है। दुबई एक ऐसी जगह बन चुका है जहां दुनिया भर से लोग ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए आते हैं। दुबई के पास ना तो अपना खाना है, ना अपना पानी, ना ही मिनरल्स और ना ही अपना गोल्ड है, तो फिर कैसे पिछले चंद सालों में दुबई इतनी तरक्की कर गया? हम में से ज्यादा लोग यही समझते हैं कि शायद दुबई अपनी ऑयल की वजह से इतनी तरक्की कर गया, लेकिन तेल का रेवेन्यू दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% है। दुबई की किस्मत बदलने में शेख मोहम्मद बिन राशिद का बहुत अहम किरदार है। इन्होंने दुबई की ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में वाकया है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल है। दुनिया का पहला 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब दुबई में वाकया है। इंसानों का बनाया हुआ आइसलैंड पाम जुमेरा दुबई में वाकया है। और ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स जिनकी वजह से दुबई आज थर्ड मोस्ट ट्रेवल्ड सिटी बन चुका है। शेख मोहम्मद बिन राशिद डिज्नीलैंड के ओनर के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बनाया जाए, लेकिन डिज्नीलैंड के ओनर ने इस चीज से इनकार कर दिया। तो इन्होंने डिज्नीलैंड के मुकाबले में दुबई लैंड बनाया, जो कि डिज्नीलैंड से तकरीबन 2.5 से 3 गुना बड़ा था। हर रोज इस दुबई लैंड में तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये अनाउंस कर दिया है कि सन 2026 तक ये ऐसा ड्रोन लॉन्च करेंगे जो पैसेंजर को अपने अंदर बिठाकर तकरीबन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। दुबई का एक मिशन है जिसे दुबई 10X कहा जाता है। इसी मिशन की वजह से ये हर चीज को 10% फास्टर, 10% एफिशिएंट और 10% बिगर करके पेश करते हैं। इन्होंने रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा बागीचा दुबई मिरिकल गार्डन बना दिया। लेकिन क्या आपके जहन में ये ख्याल नहीं आता कि नरम मट्टी पर तो लोग अपना घर नहीं बनाते, तो दुबई ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बना ली? दुबई के लोगों ने देखा कि इनकी ईस्टर्न रेंज की पहाड़ियों में वी कर्व्ड वैलीज बनी हुई थी। तो शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को बुलाया और उनसे पूछा कि पहाड़ों के दरमियान में आखिर ये वैलीज बनी कैसे। तो उन्हें मालूम हुआ कि ऐसी वैलीज पानी के बहने से बनती हैं। इसका मतलब कि कई साल पहले इस रेगिस्तान में पानी जरूर मौजूद था। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने वहां पर जमीन की खुदाई करवाना शुरू कर दी और जमीन से चंद किलोमीटर नीचे इन्हें पानी मिल गया। इन्होंने वहां से पानी एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया और वही पानी बिल्डिंग्स के पास लाते रहे। तो इसी पानी की वजह से आज बुर्ज खलीफा इतनी मजबूती के साथ खड़ी है। बुर्ज खलीफा हर रोज तकरीबन 2 लाख गैलन लीटर पानी पीती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद के इसी विजन की वजह से आज दुबई में तकरीबन 200 नेशनैलिटीज के लोग यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में हाइपरलूप ट्रेन बनाने जा रहे हैं। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा टनल होगा जिसके अंदर बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज सफर करेंगे। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस होगी, यानी इसमें किसी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा। हाइपर लूप में चलने वाली ट्रेन तकरीबन 1,123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। इसके अलावा दुबई में एक डायनामिक टावर भी बनाया जा रहा है। ये टावर हाइट में तो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो दुनिया की किसी और बिल्डिंग में मौजूद नहीं। इस बिल्डिंग में 84 फ्लोर्स बनाए जाएंगे, लेकिन ये फ्लोर्स आम फ्लोर नहीं होंगे, ये फ्लोर्स रोटेट कर सकेंगे। सनसेट देखना हो या सी व्यू, इस फ्लैट में मौजूद लोग अपने फ्लैट को रोटेट करके हर किस्म के व्यू का मजा ले सकेंगे। दुनिया की कोई भी यूनिक चीज हो, या तो दुबई के पास मौजूद है या वो दुबई बना रहा है। दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम इतना ज्यादा होता है कि दुनिया की 1/4 जीसीबी क्रेन्स दुबई में मौजूद हैं। दुबई क्रिक टावर एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके मुताबिक दुबई में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। दुबई की असल कामयाबी सन 2010 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने बुर्ज खलीफा को बनाया था। 2,716 फीट ऊंची इस बिल्डिंग में 163 स्टोरीज बनाई गई थी। बुर्ज खलीफा की ऐसी चंदोर चीजें जिन्होंने दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उनमें से एक चीज दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक था। लेकिन जब सऊदी अरब ने जद्दा टावर बनाने का ऐलान किया, तो दुबई को खतरा महसूस हुआ कि शायद इनसे उनकी टूरिज्म पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए दुबई ने जद्दा टावर से भी ऊंची बिल्डिंग क्रिक टावर बनाने का ऐलान किया। लेकिन इस वक्त ये दोनों बिल्डिंग्स
अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज के इस वक्त में बुर्ज खलीफा के पास तकरीबन 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जो कि सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, सबसे लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंचा फायरवर्क, सबसे ज्यादा फ्लोर्स, सबसे ऊंची रेजिडेंशियल प्लेस, सबसे ऊंचा नाइट क्लब और ऐसे कई और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आज बुर्ज खलीफा के नाम है। दुबई के शेख अब टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी बनाना चाह रहे हैं, यानी एक ऐसी सिटी जो बहुत बड़े मॉल में मौजूद होगी। इस मॉल के अंदर सड़कें, गाड़ियां, होटल्स, ट्रैफिक सब कुछ होगा और ये सब कुछ टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा, यानी एयर कंडीशन्ड सड़कें, एयर कंडीशन्ड बाजार। दुबई में जब जमीन की कमी महसूस की गई तो इन्होंने समुन्दर में आइलैंड बनाना शुरू कर दिए, मैन मेड आइलैंड। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टाने तोड़कर ये आइलैंड बनाए गए। पाम जुमेरा इसका मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने सैटेलाइट्स की मदद से देखकर ये खजूर के दरख्त जैसा आइलैंड बनाया, जिसमें अपना घर बनाने के लिए लोग तरसते हैं।